हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीवन धारा। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से ऑनलाइन आधार कार्ड से पैन कार्ड कैसे लिंक किया जा सकता है इसकी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी। दोस्तों, पैन कार्ड को आधार कार्ड से ऑनलाइन लिंक करने के लिए आपको गूगल वेब ब्राउज़र पर ई फिलिंग ऑफिशियल वेबसाइट लिख कर सर्च पर क्लिक करना होगा और इसके बाद इनकम टैक्स डॉट गवर्नमेंट डॉट इन इस विकल्प पर क्लिक करना होगा। तो होम पेज खुल जाएगा आयकर विभाग का और इसके अंदर आपको लिंक आधार स्टेटस क्विक लिंक्स के अंतर्गत लिंक आधार इस विकल्प पर क्लिक करना होगा। तो लिंक आधार पर क्लिक करने के बाद जो है ये पेज खुलेगा। इसमें आपको यहाँ पैन कार्ड और आधार कार्ड नंबर जैसे ही आप लिखेंगे तो उसके बाद यहाँ मैसेज डिस्प्ले होगा कि आपने जो है पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक करने का के शुल्क का भुगतान नहीं किया है। तो उसके लिए जो है प्रक्रिया पूरी करने के लिए लिंक आधार टू विथ पैन कार्ड विकल्प पर क्लिक करिए। तो आप ये मैसेज ये यहाँ पे दोनों लिखेंगे तो इस प्रकार का मैसेज आएगा। तो आपको लिंक आधार विकल्प पर फिर क्लिक करना होगा। तो और इसमें ये दिया हुआ है नोट कि यदि आप इंडिया में नहीं रहते हैं, भारत में, तो भारत के नागरिक नहीं हैं, तो आपको जो है ये आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक करने की आवश्यकता नहीं है। और यदि आपकी उम्र जो है आपका 80 वर्ष से अधिक है तो आपको जो है आधार कार्ड से पैन कार्ड नहीं लिंक करने की आवश्यकता है। और इसके अतिरिक्त यदि असम, मेघालय या फिर जम्मू एंड कश्मीर राज्य में आप रहते हैं तो आपको आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक करने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको यहाँ पर लिखने के बाद आपको ये वैलिडेट, जैसे ही आप यहाँ आधार कार्ड पैन कार्ड नंबर लिखेंगे तो वैलिडेट ऑप्शन जो है ब्राइट हो जाएगा। तो इस पर आपको क्लिक करना है, वैलिडेट ऑप्शन पर। और इस पर क्लिक करने के बाद जो है इस तरह का पेज खुलेगा आपके सामने। इसमें आपको यहाँ पर कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स इस विकल्प पर क्लिक करना होगा शुल्क के भुगतान करने के लिए आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक करने के। तो इसके बाद जो है इस पर क्लिक करेंगे तो फिर ये पेज खुलेगा। इसमें आपको पैन कार्ड नंबर लिखकर कंफर्म करना होगा, दोबारा लिखना होगा यहाँ पैन कार्ड नंबर और पैन कार्ड से लिंक जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ लिखना होगा। और लिखने के बाद कंटिन्यू विकल्प पर क्लिक करना होगा। और क्लिक करने के बाद जो है आपके रजिस्टर्ड जो पैन कार्ड से लिंक्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP का मैसेज आएगा। वो 6 डिजिट का यहाँ मैसेज OTP नंबर आपको लिखना होगा और कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। और क्लिक करने के बाद फिर जो है ये आ जाएगा कि आपके पैन कार्ड का सत्यापन हो चुका है OTP के थ्रू। तो उसके बाद आपको फिर से कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा और कंटिन्यू विकल्प पर क्लिक करने के बाद ये ऑप्शंस खुल कर आएंगे। इसमें आपको इनकम टैक्स के अंतर्गत यहाँ नीचे लिखा हुआ है प्रोसीड, इस विकल्प पर क्लिक करना होगा। और प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर का चुनाव करना होगा। तो 2023-24 का आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर करने के बाद ये टाइप ऑफ पेमेंट में आपको अदर रिसिप्ट्स यहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू से सिलेक्ट करना होगा और करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। और कंटिन्यू विकल्प पर क्लिक करने के बाद ये इस तरह का पेज आ जाएगा। इसमें स्क्रॉल करेंगे तो ये आपको इतने पैसे 1000 रुपीज़ पे करना है वो यहाँ लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पर फिर से कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। और क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर आपको पेमेंट गेटवे का के विकल्प का चयन करना होगा पेमेंट करने के लिए। तो पेमेंट गेटवे विकल्प पर आपको क्लिक करना होगा। और पेमेंट गेटवे पे क्लिक करने के बाद जो है ये बैंक के नाम खुल कर आ जाएंगे। तो इनमें से आप किसी भी बैंक का के नाम को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो या यदि आप बैंक के नाम को सेलेक्ट करेंगे उसके बाद फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। और कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद जो है ये टर्म्स एंड कंडीशन दिए हैं तो इसमें आई एग्री पर क्लिक करने के बाद सबमिट टू बैंक इस विकल्प पर पेमेंट के लिए बैंक में सबमिशन के लिए यहाँ सबमिट टू बैंक विकल्प पर क्लिक करना होगा। और इसके बाद फिर जो है 1000 रुपीज़ ये का ये आ जाएगा मैसेज पे नाउ पे, फिर आपको क्लिक करना होगा। और पे नाउ पर क्लिक करने के बाद जो है ये आपको पेमेंट के
मेथड का चूज़ करना हो कि आप किस मेथड से पे करेंगे ऑनलाइन, चेकबुक से ये आप कर सकते हैं, कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग या यूपीआई के माध्यम से। तो यदि आप यूपीआई के थ्रू करना चाहते हैं तो प्रक्रिया सरल होती है। तो यदि आपने स्मार्टफोन में अपने यूपीआई का ऐप इंस्टॉल कर रखा है तो यूपीआई विकल्प पर क्लिक कर सकते हैं। और यूपीआई पर क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ यूपीआई एड्रेस लिखना होगा। तो जिस मोबाइल नंबर से आप यूपीआई में जो है लॉगिन है तो वो मोबाइल नंबर और @UPI.com लिख करके आपको यहाँ वेरीफाई पर क्लिक करना होगा। और वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद आपके जो है स्मार्टफोन में जो मोबाइल नंबर आपने डाउनलोड किया है, अरे मोबाइल ऐप डाउनलोड किया है, उस पे जो है पेमेंट इनिशिएटेड का मैसेज आ जाएगा। उसमें आपको अप्रूव करना होगा कि पेमेंट अप्रूव करने के लिए प्रोसीड टू पे पर क्लिक करना होगा आपको अपने मोबाइल पर, मोबाइल में खोलकर एप्लीकेशन। और उसके बाद जो है आपको इस तरह से आ जाएगा कि सेलेक्ट पेमेंट मोड, और ये इस तरह का लिखा हुआ आ जाएगा कि आपका जो है चलान पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। तो उसके बाद आपको डाउनलोड करके ये रिसिप्ट अपने पास सेव कर सकते हैं। और इसके बाद जो है आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक करने के शुल्क के भुगतान की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो फिर से आपको होम पेज पर जाना होगा, और होम पेज पर जाने के बाद आपको इस तरह का होम पेज खुलेगा। इसमें आपको फिर से लिंक आधार विकल्प पर क्लिक करना होगा, और लिंक आधार विकल्प पर क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड नंबर लिखना होगा और वैलिडेट पर क्लिक करना होगा। और वैलिडेट पर क्लिक करने के बाद जो है ये मैसेज लिखकर आ जाएगा दूसरे पेज में कि आपके जो है आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक करने के शुल्क का भुगतान पूरा हो चुका है। तो आधार कार्ड पैन लिंक करने के रिक्वेस्ट को जो है मैं UDI के वेबसाइट पर भेजने के लिए आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। और इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद जो है यहाँ आपको आधार कार्ड में जैसा आपका नाम लिखा हुआ है वैसे ही सेम नाम लिखना होगा, और यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखना होगा और आधार नंबर लिखना होगा। और आधार नंबर जो मोबाइल नंबर वही लिखेंगे जो आधार कार्ड से लिंक हो। तो यहाँ पर लिखने के बाद फिर आपको एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स इस विकल्प पर क्लिक करना होगा, और इसको चेकबॉक्स को टिक करेंगे, और टिक करने के बाद लिंक आधार पर क्लिक करेंगे। तो लिंक आधार विकल्प पर क्लिक करने के बाद जो है आपके आधार कार्ड से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर OTP का मैसेज आएगा। तो वो 6 डिजिट के OTP को यहाँ लिखने के बाद आपको जो है वैलिडेट विकल्प पर फिर से क्लिक करना होगा, और वैलिडेट पर क्लिक करने के बाद जो है आपके फिर से मोबाइल नंबर पर जो इस तरह का मैसेज आएगा, आपके फिर से दूसरे स्क्रीन पे मैसेज डिस्प्ले होगा। तो आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक करना होगा कि आपके जो है रिक्वेस्ट UDI के भेज दिया गया है पोर्टल पर। तो उसके बाद आपको ओके विकल्प पर क्लिक करने के बाद जो है फिर से आपके आधार कार्ड लिंक और पैन कार्ड लिंक करने की जो प्रक्रिया है वो समानता जो है आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक करने का रिक्वेस्ट सबमिट करने के 1 हफ्ते के अंदर हो जाती है। तो आप 1 हफ्ते के बाद जो है 1 हफ्ते के बाद अपने फिर से जो होम पेज पर जाकर आयकर विभाग के और लिंक आधार स्टेटस इस विकल्प पर क्लिक करके देख सकेंगे कि आपके आधार से लिंक कार्ड से पैन कार्ड लिंक हुआ है या नहीं। तो इस विकल्प पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर ये फॉर्म खुल जाएगा। इसमें पैन कार्ड आधार कार्ड नंबर लिखने के बाद व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपके आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक हो चुका है। तो धन्यवाद दोस्तों हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हमारे YouTube चैनल जीवन धारा को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो है वीडियो जो आगे मैं अपलोड करूँ सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके।